सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा नया टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट टाइम हमने किया था यहाँ पे, एंड दैट वाज द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा रीड किया था हमने, एंड आई गेव यू होमवर्क कि जो गांधी जी का व्यू था और जो नेहरू का व्यू था, ये बॉट्स में दिया है, इसको आप रीड कर लेना कि वो कैसा संविधान चाहते थे। अब यहाँ फिलॉसफी दिया है कि हमारा संविधान कैसा है। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy। यानी ऐसे वैल्यू जो हमें, जिसने हमको इंस्पायर किया और हमें गाइड किया, और वही हमारा संविधान का स्थापना बना। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब किस में है, हमारे प्रीएम्बल में है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। हमारा जो संविधान है वो शुरू होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, कि संविधान कैसा होगा अंदर ये लिखा गया, उसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज प्रीएम्बल या डिफाइन प्रीएम्बल, तो इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट पेज पे, जहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं डेफिनेशन। जैसे जहाँ पे फुल डेफिनेशन दिया जाए, पार्ट थीट दिया है, क्लॉज क्या होता है दिया है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होता है, उसी नीचे नीचे यहाँ लिखा हुआ है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, यह एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है डेफिनेशन प्रीएम्बल का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सो द टीचिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन दियर कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए प्रीएम्बल। अमेरिका का जो मॉडल था उसको बहुत से देशों ने उसको कॉपी किया, कि अमेरिका ने भी अपने संविधान में पहले प्रीएम्बल लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, जिसमें क्या होगा अंदर। अब देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बताया। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। हर जो उसमें वर्ड्स दिए हैं उसका की वर्ड्स जो है वो हम उसका मीनिंग समझे। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोयम ऑफ ऑन डेमोक्रेसी। कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी के ऊपर कविता जो होती है, ऐसे लिखा गया है प्रीएम्बल। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। एक फिलोसफी दिया है, दर्शन शास्त्र दिया है, किस बेस के ऊपर सारा संविधान हमारा बना है। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्यूट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रोवाइड करता है, एग्जामिन करता है, इवेल्यूट करता है कि जो भी गवर्नमेंट का एक्शन होगा वो कैसा होगा। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे भारत का जो संविधान, उसकी आत्मा है प्रीएम्बल, यानी उसका बेसिक थिंग जो बोल सकते हैं वो है। देखिए, ये है आपका प्रीएम्बल, ये आपने काफ़ी टाइम पढ़ा भी होगा, लिखा भी, द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन सोलमली मिला आपको। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको ऑलरेडी वहाँ पे हाईलाइट किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए वर्ड्स जो हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। यानी बता रहा कि हम भारत के लोग, हम भारत की जनता एक साथ मिलके हमने ये प्रस्ताव रखा है, हमने ये फैसला किया है कि हम भारत को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिखा है पहला सॉवरेन। सॉविन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ दिया है सॉविन क्या होता है। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि पीपल के पास पूरा सुप्रीम राइट है, यानी सब कुछ अधिकार, सर्वोच्च अधिकार है कि सारा फैसला, चाहे वो घर के अंदर का मामला हो चाहे बाहर का मामला हो, उसमें फैसला वो कर सकते हैं। कोई भी बाहर वाला उनको प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। यानी अगर हमारा देश है, हमारा देश क्या है, सॉविन कंट्री है, घर के अंदर आने, देश के अंदर और देश के बाहर के सारे मामले हमारी गवर्नमेंट फैसला ले सकती है, संप्रभु है। कोई बाहर का देश उसके ऊपर प्रेशर डाल के अपनी बात नहीं मना सकता कि ऐसा नहीं, ऐसा फैसला करो। गॉट इट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे घर की बात होती है, हम घर में आते हैं, घर में कई बार देखो घर जो फैसला लेते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है और वो घर में कुछ काम कर रहा है और कोई बाहर वाला बोला नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए, तो वहाँ पे बोलता है नहीं देखो भाई, घर का मामला मेरा है, ये मेरा मैटर है, मैं सॉल्व करूँगा, तुम बीच में बोलने का नहीं। बरोबर,
ऐसा ही मामला है सोवियन का है, तो हमारा देश भी ऐसा है जी, अपना फैसला हम खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट यानी देखो नीचे लिखा है फुल फॉर्म इसका, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर, सेकुलर क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक भी हम लोग हैं। ये सब वर्ड, हर एक वर्ड का देखो यहाँ मीनिंग दिया गया है, उसका मीनिंग क्या बन रहा है उसको रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और समझ में नहीं आया तब मुझसे पूछना आप। फिर लिखा है जस्टिस, जस्टिस क्या होता है, न्याय, जस्टिस कैसा मिलेगा, सोशल रहेगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी सबको सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे सभी को जस्टिस मिलेगा, जो भी इंडिया का सिटीजन है सबको मिलेगा। लिबर्टी भी मिलेगा, लिबर्टी किस चीज़ का मिलेगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी यानी आज़ादी मिलेगी हर चीज़ सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने, अपनी बातें बोलने की, अपना विश्वास का, अपने पूजा पाठ, हर चीज़ की लिबर्टी मिलेगी, कोई बंधन नहीं है इंडिया में। इक्वालिटी भी मिलेगा आपको, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमाउंट देम ऑल, इक्वालिटी मतलब समानता मिलेगी सभी को, सभी को समानता मिलेगी स्टेटस में भी और मौके में भी, यानी सभी को बराबर माना जाएगा, दर्जा सबका बराबर होगा और सभी को बराबर मौके भी मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जिस हर एक तरह वर्ड मैंने दिया, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, और बाद में लास्ट है फ्रेटर्निटी क्या होता है, आपस में भाईचारा। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी सभी को महत्व दिया जाएगा, हर आदमी को, सभी हमारे देश का जो एकता है, जो इंटीग्रिटी है जिसको बोलते हैं ना, एकात्मता क्या, एकता, वही चीज़, वो सब नेशन को मिलेगा, यानी ये सब चीज़ें जो हाईलाइट की, ये सब हम लोग करेंगे, ऐसा इसमें लिखा और ऐसा हो रहा है। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड ड्यू टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बताया ये सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे संविधान में ये सब चीज़ें मिलेंगी सभी को, ये सब चीज़ें होंगी, जो जो वर्ड लिखा है यहाँ पे सबका मीनिंग भी है। और हम आज 26th day of November मतलब 26 नवंबर 1949 को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी क्या मतलब होता है, स्वीकार कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं और एनेक्ट भी कर रहे हैं, उसको लागू भी कर रहे हैं, हम अपने आप को अपना संविधान देते हैं। ये है आपका प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक वर्ड का देखिए मीनिंग दिया गया है, उसको अच्छी तरह वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो यू रीड इट, इसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर भी दिया आपको हर वर्ड का मीनिंग, आप से उसका डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ लीजिए क्या होता है, और फिर इसके बाद आप पीछे जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। जितने भी यहाँ डेफिनेशन दिए, जैसे लिखा है क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या है, डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये पूरा कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में लेसन करते हैं हम लोग फाइनल। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।